गुड मॉर्निंग ऑल इज वेल। प्यारे बच्चों, आज हम कविता पढ़ रहे हैं दीवानों की हस्ती, जिसके कवि है श्री भगवती चरण वर्मा। दीवानों की हस्ती श्री भगवती चरण वर्मा की प्रसिद्ध कविता है, जिस कवि ने दीवानों के मस्तमौला जीवन पर प्रकाश डाला है। दीवानों को समाज भले ही नगण्य मानता है, लेकिन उनका कार्य प्रासंगिक होता है, बहुत अच्छा रहता है। वे जहाँ भी जाते हैं जगत में आनंद खुशी उल्लास का वातावरण अपने साथ लिए चलते हैं। वे मनुष्य जीवन के दुखों और परेशानियों को धूल की तरह उड़ाते चलते हैं। लोगों पर उनका इतना अधिक प्रभाव रहता है कि उनके आने की प्रतीक्षा करते रहते हैं और चले जाने पर दुख व्यक्त करते हैं, आंसू बहाते हैं। गति ही जीवन और रुकना ही मृत्यु है। दीवानों के लिए सभी मनुष्य अपने होते हैं, वे सभी को प्रेम खुशी बांटते हैं। वे दुनिया से जितना ग्रहण करते हैं उससे अधिक ब्याज सहित उन्हें लौटा देते हैं। वे सुख और दुख में हर क्षण समान भाव से रहते हैं। दीवानों अपने और प्रेम में भेद नहीं करते, वे सभी की मंगल कामना करते हैं, भले दुनिया उनके बारे में कुछ भी विचार रखती है। दीवाने स्वतंत्र होते हैं, वे अपने नियम स्वयं बनाते हैं, और मजे की बात तो ये है कि वे अपने नियमों में स्वयं भी बंधे नहीं होते और ना ही किसी को बांधते हैं। वे हमेशा निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, खुशी खुशी आगे बढ़ते रहते हैं। धन्यवाद। स्टे होम स्टे सेफ। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक के क्लास 8 के फोर्थ लेसन दीवानों के हस्ती पढ़ रहे हैं, और जिनके कवि श्री भगवती चरण वर्मा है। भगवती चरण वर्मा का जी का जन्म 30 अगस्त 1903 को सफीपुर जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे हिंदी साहित्य जगत के साहित्यकार व प्रसिद्ध कवि हैं। साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्मभूषण से अलंकृत किया गया था, उन्हें सम्मानित किया गया था। उनकी रचनाएं हैं चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते आदि, और इनकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1981 को हुई थी। आप ये जो सामने माइंड मैप देख रहे हैं उसमें नए शब्द, इस कविता में नए शब्द, बहुवचन शब्द, भावार्थ, तुकबंदी, प्रेम की भावना, शिक्षा आदि बताए गए हैं। नए शब्द जैसे राष्ट्रीय का अंतर्राष्ट्रीय, आत्मा का अंतरात्मा, जन्म का पुनर्जन्म, निर्माण का पुनर्निर्माण। कुछ युग्म और क्रियाओं का भी शब्दों का प्रयोग किया गया, जैसे जी भरकर, खिलखिलाकर, गिड़गिड़ाकर, खुलकर, फूट फूट कर आदि। कविता का सस्वर वाचन, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास कभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले, किस और चले, ये मत पूछो, बस चलना इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूटों को हम एक भाव से पिए चले, हम भिकमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी उर पर ले असफलता का भाव चले, हम मान रहित अपमान रहित जी भर कर खुल कर खेल चुके, हम हंसते हंसते आज यहाँ प्राणों की बाजी हार चले, अब अपना और पराया क्या, आवाज रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। सबसे पहले हम कविता का भाव या पाठ का सार पढ़ेंगे। इस कविता के माध्यम से कवि ने यह सार बताया, ये भाव बताया है कि कवि ने अपने प्रेममय हृदय को इसमें दर्शाया है। वे अपने ढंग से जीना जीते हैं, जीवन जीते हैं। वे चारों प्रेम बांटने का संदेश देते हैं, खुशियां बांटने का संदेश देते हैं, खुशियों का संचार करते हैं। वे जीवन में असफल हो जाने पर किसी को दोष ना देने का संदेश देते हैं, वह किसी को भी दोष नहीं देते, और स्वयं भी असफल होने पर किसी अन्य को दोषी नहीं मानते। कविता की व्याख्या, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते साथ चले। कवि कहते हैं कि दीवाने उन्हें कहते जो हर हाल में मस्त रहते हैं, सुख या दुख पर उनका कोई असर नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वे प्रेजेंट में जीने में विश्वास करते हैं। दीवानों की कोई हस्ती नहीं होती, मतलब उन्हें इसका कोई घमंड नहीं होता, वे कितने बड़े भी आदमी हैं, ना ही इसका कोई मलाल होता है कि उन्हें किसी चीज की कमी है। उनके साथ हमेशा ही मस्ती का आलम रहता है, वे जहाँ भी जाते हैं गम को धूल में उड़ाते हैं, और धूल में उड़ाते हुए आगे बढ़ जाते हैं।
आए बनकर उल्लास अभी बन आंसू बनकर बह चले अभी सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। वे किसी भी जगह पर जाते हैं ना तो एक खुशी उल्लास की तरह सब में जोश और सब में खुशियाँ का संचार कर देते हैं। जब वे कहीं से जाते तो आंसू की तरह जाते हैं, पीछे उनके पीछे लोग अफसोस करते हैं, दुखी मनाते हैं कि वे चले गए, उनके जाने का अफसोस करते हैं। किस और चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। उनका काम होता है चलते रहना, दिशा कोई भी हो, चलते रहना चलते रहना। चलने का नाम ही जिंदगी है। जो असली दीवाने होते हैं ना वो हमेशा संसार में कुछ लेते रहते हैं और बदले में उसे कुछ ना कुछ देते रहते हैं। उनकी जिंदगी में किसी कहीं भी कभी भी कोई अर्धविराम नहीं आता है, पूर्ण विराम तो बहुत दूर की बात होती है। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, चखकर सुख दुख के घूटों को हम एक भाव से पिए चले। वे लोगों की बातों के जरिए सुख दुख बांटते रहते हैं, उनका काम ही सुख दुख बांटना रहता है, और सुख दुख दोनों के घूट छक्कर का मजा लेते हैं और मजा लेते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। हम भिकमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सीउर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आवाज रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हम जो दीवाने होते हैं वे किसी असहाय पर भी अपना प्यार निछावर कर देते हैं। सामान्य आदमी प्रायः किसी असहाय को देखकर सहानुभूति के अलावा और कुछ नहीं देता है, लेकिन ज़्यादा बेफिक्र जिंदगी जीना भी सही नहीं होता है। जिन कामों में गंभीरता की जरूरत हो वह गंभीर रहना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा मस्ती आपको कहीं ना कहीं असफल होने के लिए बाध्य करेगी, रोकेगी। दीवाने लोग जो रोते हैं, मस्त मोला रोज जो लोग रहते हैं ना, वो अपने जीवन की असफलता को सीने की निशानी की तरह लगा लेते हैं। उनके लिए कोई अपना और कोई पराया नहीं होता है और कोई बंधन भी नहीं होता। वे बातें कुछ कुछ लोगों को शोभा देती, सन्यासी को शोभा देती, लेकिन यदि आप साधन मनुष्य की तरह जीवन जीने चाहते हैं तो आपको अपना और पराया आदि के मूल्य को समझना होगा। इस कविता में कुछ नए शब्दों का प्रयोग किया गया है। शब्दार्थ है दीवानों मतलब अपनी मस्ती में रहने वाले, हस्ती यानी अस्तित्व, मस्ती यानी मौज, आलम यानी दुनिया, उल्लास यानी खुशी, जग यानी संसार, छककर यानी तृप्त होकर, भाव यानी एहसास, भिकमंगों यानी भिकारियों, स्वच्छंद यानी आजाद, निशानी यानी चिन्ह, उर यानी हृदय, असफलता ने जो सफल ना हो, भार यानी बोझ, आबाद यानी बसना, स्वयं यानी खुद। थैंक यू, धन्यवाद।